मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हेजे न्यूज में। गाइस, पीएम मोदी के लिए लगाया गया था सोफा और उन्होंने वहां पर किया कुछ ऐसा कि आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या किया वहां पर और ये कहां का मामला है, सब चीजों के बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, पीएम मोदी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है और आपको ये भी लगता है कि पीएम मोदी हमारे इंडिया के लिए बहुत अलग अलग चीजें कर रहे हैं, हमारा इंडिया डेवलप हो रहा है, तो पीएम मोदी करके एक कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। गाइज, अगर आप लोगों को पता है तो पीएम मोदी जी रूस में काफी दिनों से हैं, वो कुछ काम के सिलसिले में वहां पर गए हैं। और आप लोगों को ये भी चीजें पता है कि पीएम मोदी जी ने हमारे इंडिया को काफी ज्यादा डेवलप किया है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं और बहुत सारे लोगों को इस चेंजेस से फायदा भी हुआ है। आम इंसान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, किसान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, इंश्योरेंस संबंधी चीजों को बहुत ही ज्यादा फायदा करवा दिया है और बहुत ही अलग अलग जो चीजें हैं उसमें काफी ज्यादा फायदा किया है जो कि आम जनता के लिए है। तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाते रहते हैं कि हमारे जो इंडिया है तो उसमें कुछ अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आती रहे, कुछ अलग अलग चीजें आए जिससे हमारे इंडिया और भी ज्यादा डेवलप हो पाए और हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं उनकी शिक्षा अच्छी हो पाए, इनके ऊपर काम करते रहते हैं। और आप लोग को पता है कि पीएम मोदी जी को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत सारी खबरें आती रहती हैं और पीएम मोदी वैसे भी पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अपनी जनता के बारे में सोचते हैं। और हमें पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि एक्चुअली में जनता के बारे में सोचता है और उनके साथ जो टीम काम करती है वो भी उन्हीं के जैसी है, तो वो बहुत ही अच्छी है। तो रूस में भी वो किसी काम के सिलसिले में गए हैं। हाल ही में ही एक वीडियो बाहर निकली है जहां पर फोटोशूट करवाने के लिए वहां पर सब अधिकारियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस हॉल में गए थे और वहां पर फोटोशूट होनी थी और वहां के अधिकारियों ने, रूस के अधिकारियों ने पीएम मोदी के लिए एक सोफा रेडी करके रखा हुआ था और पीछे काफी सारी चेयर्स थी और सोफा उनके लिए था कि जब फोटोशूट हो तो प्रधानमंत्री सेंटर में सोफे में बैठे, वो कुछ अलग दिखे। पर ये उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सीधा जब सोफा देखा उन्होंने बैठने के लिए सोचा ही नहीं, उन्होंने सीधा ये चीज बोली कि सोफे को यहां से हटा दिया जाए। तो वहां के अधिकारियों ने खींच के सोफे को हटा दिया और जैसे ही नॉर्मल चेयर्स थी वैसे ही चेयर लेके आए गए और उस चेयर पे सब लोगों के साथ बैठ के उन्होंने फोटो खिंचवाई और वीडियो ये बाहर आई और इसकी बहुत ज्यादा लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ट्विटर पे शेयर की जा रही है, बहुत सारे मंत्रियों ने इसको शेयर किया है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूजर इनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये चीज बोल रहे हैं कि इनका ये कदम जो आम जनता के साथ आम बन के रहना है तो वो हमें बोलने का एक लफ्ज भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि अपने नहीं लोगों के बारे में सोचते हैं और आम जनता में भी रहना उनको बाखूबी आता है। अगर आप लोगों को पता है कि कहीं पर भी प्रधानमंत्री अगर किसी बच्चे को देख ले तो अपने बॉडीगार्ड्स को भी छोड़ के वो बच्चे की तरफ झपट पड़ते हैं क्योंकि उनको बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और उसी तरीके से बहुत सारे यूजर्स प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। अगर आप भी इस बात से आपको आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया है तो पीएम मोदी करके कमेंट जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचजे न्यूज़।